Hello world, my name is Vaseem and welcome back to the series Web Development. Web Development series के अंदर आज हम start करने वाले हैं JavaScript. Okay, JavaScript देखो क्या है. सबसे number one बात तो ये कि JavaScript Web Development technologies में या फिर कहें तो programming languages में right now number one या फिर number two पर stand करता है. Okay, तुम लोग अपने level पे Google करके देख लेना. 2020 के survey के according Stack Overflow के JavaScript हमेशा high on demand रहता है, number one था. तो कह सकते हैं कि JavaScript आज की डेट में बहुत अच्छे डिमांड पे और आगे भी रहेगा. ओके, तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ठीक है, जैसे तुम लोग बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते आए हो, सी, सी प्लस प्लस वगैरह, वही सारे कॉन्सेप्ट जो तुम सी, सी प्लस प्लस या फिर जावा जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ते आए हो, वही यहां पर भी अप्लाई होता है. जैसे डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, लूप्स, स्ट्रिंग्स. ठीक है, हाँ, यूज करने का नो डाउट तरीका थोड़ा जरूर चेंज हो जाएगा, बट मेक श्योर मैं यहां पर तुमको एक एक चीज एक्सप्लेन नहीं करूंगा इस सीरीज के अंदर. ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं जितना हो सकता है जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स कवर कर दूंगा. फिर हम नेक्स्ट वीडियो से या फिर हो सकता है दो वीडियो के बाद से डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट की एक्सरसाइज पर जाएंगे. ठीक है, मतलब जो रियल वर्ल्ड में वेबसाइट्स के अंदर यूज होता है ना जावास्क्रिप्ट का, वो देखेंगे. जैसे हमने सीएसएस की एक्सरसाइज की थी 6 से 7, उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट की भी एक्सरसाइजेस करेंगे. उन्हीं के दौरान मैं आपको कॉन्सेप्ट भी समझाता जाऊंगा. इस वीडियो के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा. ठीक है, अब अगर तुमको जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग ही नहीं आती, पता ही नहीं है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, लूप्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग्स क्या होती है, तो मैंने इसके लिए ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनाई हुई है. नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे दूंगा. बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग करके सीरीज है, वो चेकआउट करो. वो बेसिकली मैंने उसी लिए बनाई थी कि जो नॉन सीएस बैकग्राउंड स्टूडेंट्स हैं और वो वेब डेवलपमेंट वगैरह सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस फील्ड में आना चाहते हैं, तो वो उसको देख सकें. ठीक है, या फिर जो स्टूडेंट सीएस बैकग्राउंड से भी हैं पर उनके वेब डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो उनके लिए वो हेल्पफुल हो सके. मतलब बेसिकली मुझे हर एक सीरीज के अंदर प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन ना करना पड़े, इसके लिए मैंने वो एक सेपरेट अलग वीडियो बना रखा है. ठीक है, तो वो चेकआउट कर सकते हो अगर तुमको बेसिक ही नॉलेज नहीं है प्रोग्रामिंग का. ठीक है, तो पहले वो जाकर देख लो, देन यहां पर आ जाना, इस वीडियो को कंटिन्यू करना. तो मैं ये इतनी उम्मीद कर रहा हूं कि तुमको बेसिक नॉलेज पता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं. मैं हालांकि धीरे धीरे भी एक्सप्लेन कर दूंगा. ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात तो आती है कि जावास्क्रिप्ट का वेब डेवलपमेंट में यूज क्या है. वेब डेवलपमेंट में जावास्क्रिप्ट का यूज ये है कि जो हम वेबसाइट बनाते हैं यूजिंग एचटीएमएल सीएसएस, उसको ये ब्रेन प्रोवाइड करता है. ब्रेन प्रोवाइड इट मीन्स कि वहां पर कई लॉजिक हैंडलिंग करनी होती है, कहीं इवेंट हैंडलिंग करनी होती है. ठीक है, या फिर हमें कई बार कॉन्टेंट चेंज करना होता है, तो वो सब हम जावास्क्रिप्ट की मदद से कर सकते हैं. बेसिकली JavaScript can change our HTML content as per requirement. ठीक है, इतना आई गेस आप समझ गए. ठीक है, अब बात ये आती है कि JavaScript जब हम यूज करेंगे तो उसको हम हमारे वेब पेज के अंदर कैसे यूज करेंगे. नो डाउट हमें JavaScript को यूज करने के दो तरीके होंगे, वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा. JavaScript सबसे पहले तो आप क्या करना है, वेबसाइट के HTML पेजेस में यूज करेंगे, तो आपको क्या कर लेना है, अपने उसी फोल्डर के अंदर आकर एक फोल्डर बना लेना जावास्क्रिप्ट, जैसे मैंने बनाया है, और उसके अंदर मैंने एक फाइल बनाई है js.html, सिंपल फाइल है और बस टाइटल डिफाइन किया है. अब जावास्क्रिप्ट को यूज करने के दो तरीके हैं. सबसे पहला तरीका तो ये कि आप हेड सेक्शन के अंदर, जैसे हम सीएसएस यूज करते थे ना, इंटरनल एक्सटर्नल और इनलाइन, उसी तरीके से यहाँ पे दो तरीके होते हैं, इंटरनल और सेकंड वन इज एक्सटर्नल. तो इंटरनल, अगर आपको इंटरनल जावास्क्रिप्ट यूज करनी है तो आप यूज करेंगे स्क्रिप्ट टैग के थ्रू. स्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे, एंड करेंगे, और यहां पर आप अंदर कुछ भी लिखेंगे. कुछ भी मींस जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस या फिर जावास्क्रिप्ट कोड लिखेंगे. फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट और मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड. ठीक है, इसको करते हैं हम रन. ये मेरी फाइल ऑलरेडी रन है, तो देखो हेलो वर्ल्ड बॉडी के अंदर आ चुका है. मतलब ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है ब्राउजर पर, जो हमारा पेज है js.html, ये रन है, ये एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में ट्रीट हो रहा है जावास्क्रिप्ट के लिए. ठीक है, तो मैंने जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्या कोड लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ल्ड, बस हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाए डॉक्यूमेंट पर, तो ये प्रिंट हो गया. एक तरीका हुआ ये. सेकेंड वे है जावास्क्रिप्ट को यूज करने का एक्सटर्नली. एक्सटर्नली यूज करने के लिए मीन्स आप एक जावास्क्रिप्ट फाइल बनाएंगे और उसको आप अपने वेब पेज के अंदर इंक्लूड कर लेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक जावास्क्रिप्ट फाइल बनाएंगे. मैं क्या करता हूं, इसी जावास्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाता हूं, फॉर एग्जांपल js नहीं करते, उसको हम कर देते हैं इंडेक्स डॉट
app.js, ठीक है, ये हमारी फाइल रेडी है। अब यहां पर आपको क्या करना है, स्क्रिप्ट टैग नहीं लिखना, मेक श्योर, ठीक है, स्क्रिप्ट टैग हम नहीं लिखेंगे, ओके। यहां पर आप डायरेक्ट अपने जावास्क्रिप्ट डिफाइन करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और सेमी कॉलन, मेक श्योर सेमी कॉलन लगेगा बिकॉज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, हमारी फाइल रेडी है। अब इसके अंदर हम सेम अगेन स्क्रिप्ट टैग के थ्रू ही उस जावास्क्रिप्ट फाइल को कॉल करेंगे, स्क्रिप्ट src, फाइल का नाम है app.js, राइट, दैट्स इट, एंड स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर देंगे। अब जाके हम हमारे पेज को रन कर दें, ठीक है, हेलो वर्ल्ड अपनी जगह है, मतलब जहां हमने app.js के अंदर भी हेलो वर्ल्ड लिखा था तो वो डॉक्यूमेंट पर राइट हो चुका है, आई होप इतना आप समझ गए, ठीक है। तो app.js में हम सारा कोड करेंगे और उसको हमने ऑलरेडी यहां पर कॉल किया हुआ है तो वो वहां पर एग्जीक्यूट होता जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली जावास्क्रिप्ट को डिफाइन करने का तरीका कि हाँ जावास्क्रिप्ट आप कैसे डिफाइन करेंगे और उसको कैसे आप अपने वेब पेज के अंदर कॉल करेंगे, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आई गेस आपको पहले भी बताया है कि HTML एलिमेंट्स हम जब बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एलिमेंट बनाता हूँ पी टैग, यहां पर आप दो एट्रीब्यूट यूज करते हैं, एक तो क्लास होता है जस्ट टू डिफाइन द क्लास which we can use in our CSS, right? And second attribute मैंने बताया था ID, मैंने आपको I guess याद होगा मैंने बोला था कि ID हम CSS के लिए use नहीं करेंगे, ID हम use करेंगे for in जब हम JavaScript को use करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे for example मैंने ID इसको define कर दिया para। अब मैं क्या करता हूँ, document.write को मैं कर देता हूँ comment। I guess आपको programming में comments का जरूर पता है, single line अगर comment करना है तो simply slash, double slash, अगर multi-line करना है तो slash star, स्टार स्लैश, जैसा आप सी लैंग्वेज में करते हैं, वहीं अगर आपको HTML में कमेंट करना है तो उसका तरीका होता है ये इस तरीके से। HTML सिंगल लाइन कोई कमेंट नहीं होता, यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट है, मतलब आपको जितना भी ब्लॉक लिखना है वो आप इस ब्लॉक के अंदर लिख दीजिए, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। और CSS का मैं जब CSS पाऊंगा तो उस टाइम बता दूंगा आपको, जनरली जावास्क्रिप्ट में जिस तरीके से कमेंट करते हैं ना सेम कॉन्सेप्ट रहता है CSS में भी कमेंट करने का, ठीक है। तो आई गेस कमेंट्स आप समझ गए, मैं वापस हमारे कॉन्सेप्ट पे आता हूँ जावास्क्रिप्ट के, इसको मैंने कर दिया कमेंट। अब मुझे क्या करना है, पी टैग को टारगेट करना है, पी टैग में हमने कुछ भी लिखा नहीं है, मेक श्योर। अब हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट के थ्रू लिखेंगे, पी टैग के अंदर कोई मैसेज लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मेथड रहेगा जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। हमारी आईडी क्या है उस पैराग्राफ की, पैरा डॉट इनर HTML, ठीक है, यहां पर हम जो भी वर्ड लिखेंगे वो उसके अंदर हो जाएगा एड। अब जाके करते हैं हम रन सी, अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं आया, ठीक है। अब हम देखते हैं क्यों नहीं आया, हमारी पी टैग ये रहा, आईडी इसकी पैरा है, ओके, आईडी हम सर्च करते हैं गेट एलिमेंट्स बाय आईडी, हो गया ना, ये देखिए स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, यहां पर आएगा गेट एलिमेंट। अब करते हैं रन, अभी भी नहीं आया। अगर इसके आपको एरर देखनी है तो आपको इंस्पेक्ट पर आना है, इंस्पेक्ट आने के बाद आप कंसोल पे आएंगे, ठीक है। आपको आई गेस याद होगा ब्राउजर डेवलपर टूल मैंने एक्सप्लेन किया था तो उसके अंदर मैंने यही बताया था कि कंसोल हमेशा जावास्क्रिप्ट के लिए यूज आएगा, तो यहां पर आप जावास्क्रिप्ट रिलेटेड एरर वगैरह देख पाएंगे। ये बोल रहा है एन टाइप एरर कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज ऑफ नल स्ट्रिंग इन HTML, ठीक है। तो देखते हैं इसको हम करते हैं फिक्स। तो इस एरर का मतलब क्या, इस एरर का मतलब ये कि हमने पी टैग को डिफाइन कर रखा है, नो डाउट कर रखा है, स्क्रिप्ट भी हमने डिफाइन कर रखी है, स्क्रिप्ट के अंदर कोड भी लिख रखा है, पर आपको आई गेस पता होगा जब भी ब्राउजर या फिर कोई भी कंपाइलर कोड को एग्जीक्यूट करता है वो टॉप टू बॉटम करता है, करेक्ट। तो टॉप में उसको जावास्क्रिप्ट मिली, जावास्क्रिप्ट के अंदर यहां पर एक लाइन ऑफ कोड मिला और वो जाके सर्च करेगा पैरा, राइट, बट पैरा उसको मिलेगा नहीं बिकॉज प्रॉब्लम यह है कि वो पहले ही एग्जीक्यूट हो जाएगा, करेक्ट, ये पी टैग तो बाद में बनेगा ना। तो इसी का सॉल्यूशन ये रहता है कि आप जब जावास्क्रिप्ट को यूज करें तो उसको हमेशा यूज करें जस्ट इन द बॉटम ऑफ द बॉडी, मतलब ये कि आप जितना भी HTML करना चाहते हैं करें, लिखें HTML कोड को, और जो आपकी जावास्क्रिप्ट है वो आप हमेशा बॉडी के बाद में लिखेंगे। इसका फायदा ये रहेगा, इसका फायदा ये कि जितना भी आपने कोड किया वो पहले डिफाइन हो जाएंगे सारे HTML एलिमेंट्स वगैरह, देन आपका जावास्क्रिप्ट कोड एग्जीक्यूट करेगा ब्राउजर, ठीक है। तो मैं जैसे ही इसको नीचे लिखूंगा और जाके मैं रीलोड करूंगा तो हमारा आउटपुट आ चुका है, करेक्ट, और कंसोल से एरर भी गायब है, ओके। इसको मैं वापस 100% पे करता हूँ, ठीक है। तो आई गेस इतना आप समझ गए हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी से हम पर्टिकुलर एलिमेंट को कैच करेंगे और उसके अंदर कुछ भी HTML वगैरह लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स, वेरिएबल्स वैसे तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ, मैं
थोड़ा जल्दी जल्दी बता देता हूँ, ठीक है। वेरिएबल्स जनरली हम जावास्क्रिप्ट के अंदर तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज यूजिंग वार कीवर्ड। वार फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया वेरिएबल नम वन इज इक्वल टू टेन, तो इसका डेटा टाइप ऑलरेडी नंबर हो चुका है, ठीक है। फिर मैंने एक वेरिएबल लिया फॉर एग्जाम्पल नेम, इसके अंदर मैंने वैल्यू ली वसीम, ठीक है। तो ये नो डाउट एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। फिर मैंने एक इसको मैं क्या करता हूँ, वार ना करके लैट करता हूँ, ये सेकेंड वे हो गया। थर्ड टाइप होता है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने कर दिया पाई और इसके अंदर वैल्यू कर दी 3.14, ठीक है। तो कॉन्स्ट आपको पता है या नहीं मैं फिर भी बता देता हूँ। कॉन्स्ट मीन्स जो नॉन चेंजेबल वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये वैल्यू होगी ये होगी फ्लॉट टाइप की और ये नॉन चेंजेबल वैल्यू होगी अराउंड द इन द कंप्लीट पेज, ठीक है, इन द कंप्लीट जेएस फाइल। तो फर्स्ट वन इज फॉर द इंटीजर, सेकंड वन इज फॉर द स्ट्रिंग एंड थर्ड वन इज फॉर द पाई। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? थर्ड वाला तो आपको क्लियर है कि ये नॉन चेंजेबल होता है। वार का मतलब ये कि ये फंक्शन की पूरी बॉडी के अंदर यूज किया जा सकता है, पर लेट की प्रॉब्लम क्या है? लेट का मतलब ये कि ये पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर यूज हो सकता है, ठीक है। ब्लॉक इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसको इस ब्लॉक के अंदर ले देता हूं, ठीक है, और मैं इसको यहां पर कंसोल करता हूं, कंसोल डॉट लॉग मैंने लिखा नेम, कंसोल डॉट लॉग आई गेस आपको पता होगा, ये भी बेसिकली राइटिंग का एक मेथड है। इसको हम करके हैं रन करते हैं ब्राउजर पर जाके, ठीक है। हम कंसोल डॉट लॉग के लिए अगेन आपको इंस्पेक्ट पर आना है और कंसोल पर आके देखेंगे। कंसोल डॉट लॉग कुछ भी नहीं हुआ, बिकॉज कुछ भी क्यों नहीं हुआ, बिकॉज हमने इसको बाद में किया, राइट, लेट उस ब्लॉक के अंदर नहीं किया, ओके। अगर मैं वही आपको कट करके उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर कर देता हूं तो देखिए यहां पर वैल्यू प्रिंट हो चुकी है, ओके। और मैं अब क्या करता हूं, कंसोल डॉट लॉग नम वन की वैल्यू को करता हूं ब्लॉक के बाहर इको, ठीक है, मतलब बेसिकली डिस्प्ले किया, तो दोनों ही चीजें डिस्प्ले हो रही है क्योंकि वो तो लॉग के अंदर है नम, और नम वन लॉग पर्टिकुलर लॉग के बाहर है, करेक्ट, सॉरी ब्लॉक के बाहर है। इसको हम आगे लेटर ऑन वीडियोज में आपको थोड़ा और मैं अच्छे एक्सप्लेन करूंगा जब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल्स वगैरह देखेंगे, ठीक है। तो ये तीन टाइप हो गए बेसिकली, हो गए हमारे वेरिएबल्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी यहाँ पर सेम ही है। कंसोल डॉट लॉग अगर मैं करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, सॉरी ऑपरेटर्स जितने भी होते हैं ना, अर्थमेटिक हो गया, रिलेशनल हो गया, सारे सेम है, कोई भी चेंज नहीं है। मैं एक आपको करके दिखा देता हूँ, 5 + 10, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर ही कर देता है ना ये काम, ताकि मुझे बार बार कंसोल डॉट लॉग ना करना पड़े। इसको करते हैं हम रन, सी पैरा के अंदर आ गई वैल्यू 15, बिकॉज 10 + 5 + 10 हमें पता है क्या होता है, 5 + 10 = 15 होता है। अब वही अगर मैं यहाँ पे क्या करता, नम के अंदर, नम वन के अंदर वैल्यू ऐड करता तो जाहिर सी बात है 20 हो जाएगा, और नम वन के अंदर मैं अगर नेम की वैल्यू ऐड करता हूँ तो देखना आउटपुट क्या आता है, 10 और वसीम। तो नो डाउट हमें पता है कि एक ऑपरेटर, एक वेरिएबल है नंबर टाइप का और सेकेंड वेरिएबल है स्ट्रिंग टाइप का, तो उसने दोनों को कॉन्कनेक्ट कर दिया, करेक्ट। तो इसमें कुछ भी डिफरेंस, कुछ भी गलत नहीं है बेसिकली, जाहिर सी बात है दोनों जुड़ तो सकते नहीं है, तो उसने दोनों को जोड़ दिया, मतलब कॉन्कनेक्ट कर दिया, साथ में अटैच कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ऑपरेटर भी यहाँ पर चलते हैं, एरर नहीं आएगी, मेक श्योर यहाँ पर ये एक एरर नहीं है, इसने दोनों को कंबाइन कर दिया, ठीक है। तो ये हो गए हमारे वेरिएबल्स। अब हम देखते हैं फंक्शंस। फंक्शंस भी अगेन यहाँ पर सेम रहेंगे, बस मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। फंक्शंस यहाँ पर जनरली डिफाइन होते हैं फंक्शन कीवर्ड के थ्रू, और फंक्शन आपको डिफाइन करना है और उसके बाद आपको कॉल करना है, सेम है जैसे आप सी वगैरह में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम दो आर्ग्यूमेंट रिसीव करते हैं, एक्स कॉमा वाई, ठीक है, और मैं यही वाला फंक्शन जो मैंने ऊपर लिखा उसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ नीचे, दैट सिट, ये हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा ना। यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स, वाई नहीं लिखते, फॉर एग्जांपल ए के आर्ग्यूमेंट ले लेते हैं, ठीक है। और अब इस फंक्शन को आपको कॉल करना है, कॉल करने के लिए अगेन दैट सिंपली फंक्शन को कॉल करें और इसके अंदर आर्ग्यूमेंट क्या पास कर सकते हैं, नम वन। अब जाके हम उसको करते हैं रन, सी पैराग्राफ के अंदर वैल्यू आ गई 10। अगर आप नेम लिखना चाहते हैं तो नेम लिख दो, जो भी आपको वैल्यू पास करनी है, जितने एन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पास करना है, वैल्यू रिटर्न करनी है तो रिटर्न भी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से आप रिटर्न करना चाहते हैं तो रिटर्न कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। और यहाँ से फॉर एग्जांपल आप वो वैल्यू कैच कर लो, यहाँ पर भी आपने लिख दिया एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर आप रिटर्न क्या करें, रिटर्न तो आपको एक्स ही करना है, या फिर जो भी आप लॉजिक बिल्ड करना चाहते हैं, जो भी आपकी कैलकुलेशन वगैरह एक्स वाई जेड जो भी आप करना चाहते हैं, ठीक है। और जो वो आपने वहाँ लिखा है उसको आप फंक्शन से बाहर आके लिख दो, ओके, और दैट सच समथिंग लाइक दिस, नथिंग चेंज, राइट। तो फंक्शन भी इस तरीके से डिफाइन होता है, ओके। अब हम देखते हैं स्ट्रिंग्स मेथड्स।
बेसिकली आप स्ट्रिंग तो यूज करते आई हैं, हाँ, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ मेथड्स भी होते हैं, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग की लेंथ काउंट करना या फिर स्ट्रिंग से सब स्ट्रिंग निकालना, है ना। तो उस टाइप के मैं आपको दो तीन मेथड बता देता हूँ, बाकी के और भी होते हैं, आप अपने लेवल पर W3 स्कूल पर जाना और वहां पर सर्च करके इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेरिएबल लिया XYZ, इसके अंदर मैंने लिखा बनाना, ठीक है, फिर मैंने कॉमा लगाकर एक और वैल्यू लिख दी इसमें एप्पल, फिर कॉमा लगा के एक और लिख दिया कीवी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, बेसिकली सबसे पहले सब स्ट्रिंग निकालते हैं। सब स्ट्रिंग मैंने क्या किया, पैरा के अंदर ही सब स्ट्रिंग को यूज करने का क्या तरीका रहेगा, XYZ.sub, सब स्ट्रिंग, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहला आर्ग्यूमेंट होगा कि आपको स्ट्रिंग को कहां से स्टार्ट करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 0 से मुझे स्टार्ट करना है। देन सेकेंड आर्ग्यूमेंट होगा आपको कहां तक का पार्ट सब स्ट्रिंग के तौर पर चाहिए, ठीक है। तो 0 मैंने क्यों लिखा, बिकॉज आपको पता है कि स्ट्रिंग भी अपने आप में एरे होता है, तो उसका फर्स्ट जो एलिमेंट होता है उसकी इंडेक्स वैल्यू 0 ही होती है, ठीक है। और मुझे चाहिए वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक, ठीक है। तो मैंने लिखा 5 तक मुझे चाहिए, ठीक है। अब जाके इसको करते हैं रन, तो जैसे ही रन करेंगे BANAN आ गया, ठीक है। अगर मैं यहां पर 6 कर दूंगा तो पूरा का पूरा बनाना आ जाएगा, ओके। 0 से स्टार्ट हुआ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ओके। तो इसी तरीके से आप इनकी वैल्यू चेंज करके देख सकते हैं, ये हो गया सब स्ट्रिंग। इसी तरीके से एक और मेथड हम देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेंथ का देख लेते हैं, ठीक है। सिंपल हो, लेंथ का मतलब क्या, वो पर्टिकुलर लेंथ काउंट करके बता देगा उस स्ट्रिंग की। मैंने क्या किया, XYZ इसकी लेंथ कितनी है वो मैं चेक करना है। लेंथ के लिए आपको बेसिकली फंक्शन स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, बस इतना लिख देंगे तो वो लेंथ को काउंट करके बता देगा, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स हो गए स्ट्रिंग के, इसी तरीके से काफी है, मैं बता रहा हूँ आपको W3 स्कूल पर जाना और सर्च करना है, ओके। अब हम देखते हैं एरे, बेसिकली एरे भी सेम ही तरीके से डिफाइन होता है जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, साथ ही साथ एरे के कुछ मेथड्स भी हम चेक कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक एरे डिफाइन करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स, ठीक है, स्पेलिंग सही है आई होप, न्यू एरे, ठीक है। अब यहाँ पर आप वो वैल्यूज डिफाइन कर दीजिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा स्ट्रिंग के अंदर एप्पल, ठीक है, बनाना, ठीक है, कीवी, ये इतने सारे ऐप लिख दिए मैंने। अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको एक सबसे पहला मेथड हम देखते हैं पैरा के अंदर। सबसे पहला मेथड हम देखेंगे फ्रूट्स डॉट स्ट्रिंग कन्वर्जन के लिए, तो उसके लिए होता है टू स्ट्रिंग। बेसिकली क्या करेगा, आपको कॉमा सेपरेटेड के अंदर वैल्यूज दिखा देगा जितनी भी आपकी एरे के अंदर डिफाइंड है। तो मैं इसको सिंपली करता हूँ रन, सी एप्पल बनाना की भी क्या आ गई, कॉमा सेपरेटेड में आ गई, ओके। मैं एक दो एलिमेंट और डिफाइन कर लेता हूँ, सॉरी एक तो पी टैग हो गया, इसको हम कर देते हैं पैरा 2, देन मैंने कर दिया पैरा 3, ठीक है। 3-4 देख लेते हैं, बाकी आप अपने लेवल पर अगेन आई एम टेलिंग खुद से देखना, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। सेकेंड वन हम देखते हैं पॉप, पॉप क्या करता है वो देखना। जैसे ही मैंने किया रन, सॉरी मैंने वैल्यू चेंज नहीं की, आईडी 2, पहला अपने जगह सही है टू स्ट्रिंग। पॉप की वैल्यू क्या, पॉप क्या करता है, एरे का लास्ट एलिमेंट पिक कर लेता है, ठीक है। लास्ट एलिमेंट क्या था, कीवी, राइट। इसी तरीके से अगर हमें पहला एलिमेंट पिक करना हो तो उसके लिए मेथड होगा शिफ्ट, मैं इसको रख देता हूं 3 पर, सी एप्पल आ गया फर्स्ट थर्ड नंबर पर, है ना। अब अगर मान लीजिए आपको अगर एरे के अंदर नया एलिमेंट एड करना है तो मैं क्या करता हूं, यहां पर मैंने लिखा फ्रूट्स डॉट पुश, इसके अंदर मैंने एक नया फ्रूट ऐड कर दूंगा, फॉर एग्जांपल मैंगो, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, पैरा 1 के बाद जाके इसको मैं अगेन कॉमा सेपरेटेड में लिखता हूँ, तो मैंने इसको किया रन, तो यहाँ पे क्या आया, बनाना और मैंगो। अब बनाना और मैंगो क्यों आया वो हम चेक करते हैं। सबसे पहले आया बनाना, अच्छा क्योंकि यहाँ पर वैल्यू सिर्फ पुश एंड पॉप हो चुके ना, तो मैं इन दोनों को कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। अब करते हैं रन, तो सी एप्पल बनाना कीवी एंड मैंगो, तो एक नई वैल्यू ऐड हो गई, करेक्ट। तो ये कुछ एरे के मेथड्स हो गए। इसी तरीके से और भी काफी मेथड होते हैं, आप W3 स्किल पर जाओ और खुद के लेवल पर सर्च करके देखो, उनकी प्रैक्टिस करो। अब देखते हैं जावास्क्रिप्ट एरे इटरेशन फंक्शन। बेसिकली क्या होता है कि ना, जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ते हैं तो वहां पर फोर वाइल डू वाइल ये सारे लूप पढ़ते हैं, पर जावास्क्रिप्ट और PHP जैसी लैंग्वेजेस हैं वो एक
एरे के लिए, स्पेसिफिकली एरे के लिए एक नया लूप देते हैं जिसको हम बोलते हैं फॉर ईच। वो किस तरीके से यूज होता है वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेरिएबल लिया एरे 10, 50, 85 and 57, ठीक है, ये एरे हो गया। अब इसको हम यूज करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल लूंगा, इसको मैंने एम्प्टी डिक्लेयर किया। इसके बाद मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन डिफाइन करूंगा फॉर ईच, जो कि बेसिकली क्या करेगा, नंबर्स वेरिएबल के हर एक एलिमेंट के लिए एक अलग फंक्शन को कॉल करेगा। उसको मैं लिख देता हूं फॉर एग्जाम्पल माई फंक्शन, दैट्स इट, ठीक है। अब उसके बाद मैं अगेन वही डॉक्यूमेंट वाले को कॉपी कर लेता हूं और यहां पर कर दिया मैंने पेस्ट। पैरा के अंदर हमारी वैल्यू आ जाएगी, पैरा के अंदर हम वैल्यू क्या रखेंगे, टेक्स्ट, ठीक है। इतना काम हमारा हो गया। अब हमको क्या डिफाइन करना है, हमारा माई फंक्शन। तो फंक्शन माई फंक्शन डिफाइन हम करेंगे। इसके अंदर सबसे पहली वैल्यू क्या आएगी, सबसे पहला आर्ग्यूमेंट होगा वैल्यू, सेकंड आर्ग्यूमेंट होगा इंडेक्स एंड थर्ड आर्ग्यूमेंट होगा एरे, ये कुछ ठीक है, सॉरी एरे। अब इसके अंदर क्या करना है आपको, txt जो हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है इसके अंदर प्लस इज इक्वल्स टू वैल्यू, ठीक है। वैल्यू क्या हो जाएगी, जो हमारी एरे की इंडेक्स की वैल्यू है, ठीक है, उसको साथ कॉन्कनेक्ट कर देंगे हम एक br टैग को। br टैग आपको पता ही है क्या करता है, लाइन ब्रेक कर देता है, ठीक है, दैट्स इट। ये हमारा फंक्शन डिफाइन है, इसको करते हैं हम एक बार के लिए जाके रन। तो जैसे रन किया तो देखो 1x1 सारी वैल्यू प्रिंट होगी, 10, 50, 58 और 57। हमने क्या किया, एक एरे डिफाइन किया, एक txt वेरिएबल लिया एम्प्टी वैल्यू के साथ, नंबर्स फंक्शन के साथ फॉर ईच फंक्शन को कॉल किया, जो क्या करेगा, जब जब हमारा एरे के टोटल वैल्यूज कितनी है, 4, तो ये 4 टाइम कॉल होगा, ठीक है, माय फंक्शन। तो माय फंक्शन हमने यहां डिफाइन किया, फर्स्ट टाइम वैल्यू क्या आएगी 10, सेकंड टाइम वैल्यू क्या आएगी 50, थर्ड टाइम वैल्यू क्या आएगी 58 एंड फोर्थ टाइम वैल्यू क्या आएगी 57, ओके। अगर आप चाहें कि इंडेक्स आपको देखना है तो आप वैल्यू की जगह क्या लिख दो, इंडेक्स लिख दो, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि इंडेक्स क्या था, 0, 1, 2, 3, 4, राइट। अभी हमको क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, तो आपने वैल्यू लिख दिया, ओके। अगर आपको दोनों ही चाहिए कि मुझे देखना है कि किस इंडेक्स पर क्या आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, यहां पर आप अपने लेवल पर चेंज करके देखो कि किस तरीके से इसको कॉन्कनेक्ट कर सकते हो। बेसिकली इंडेक्स आपको पता चल गया कि हाँ 0, 1, 2, 3, 4 इंडेक्स के लिए है और वैल्यू वैल्यू के लिए। अगर आप एरे देखना चाहते हो तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली कंसोल डॉट लॉग करके दिखा देता हूँ एरे, ठीक है, इसको करते हैं रन, कंसोल डॉट लॉग पे जाते हैं और कंसोल डॉट लॉग ओपन किया, सी एरे सारी की सारी वैल्यू आ गई ना, बिकॉज नो डाउट 4 टाइम रन होगा, जैसे मैंने बताया कि 4 हमारी एरे की लेंथ कितनी थी, 4 थी, तो ये 4 टाइम रन हुआ और उसने पूरी एरे की वैल्यू बता दी 4 टाइम, करेक्ट, ठीक है। तो आई गेस ये आप समझ गए हैं एरे इटरेशन, ओके। अब हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट का सबसे मेन पार्ट जो कि इवेंट्स। बेसिकली नो डाउट काफी सारे इवेंट हैंडलिंग हम मैनेज कर सकते हैं, पर जो सबसे बेसिक कॉमन जो इवेंट है वो है क्लिक इवेंट। माउस के थ्रू हम क्लिक करते हैं तो उस इवेंट पर किस तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शनैलिटी की जाती है वो एक बार देख लेते हैं कि इवेंट्स कॉलिंग कैसे होती है, इवेंट कैसे डिफाइन होता है, लेटर वीडियोज के अंदर एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक बटन बना देता हूँ, बटन वैल्यू मैंने इसको दे दिया, सॉरी वैल्यू नहीं, इसको क्लिक इवेंट हमें देना है ना, तो क्लिक के लिए आपके लिए पास होता है ऑन क्लिक इवेंट, ठीक है। इसको मैं वैल्यू लिख देता हूं, फॉर एग्जाम्पल क्लिक मी, ठीक है। अब यहां पर देखो क्लिक मी आपको करना है और इसके अंदर आप चाहें तो जावास्क्रिप्ट का डायरेक्ट मेथड लिख दीजिए या कोई फंक्शन लिख दीजिए या फिर डॉक्यूमेंट किसी भी पर्टिकुलर आईडी या फिर एलिमेंट को भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी यहां पर लिखा हुआ है ना, तो इसी को हम टारगेट कर लेते हैं, राइट, इसी को मैंने क्या कर दिया, मेक श्योर यहां पर अब आपको सिंगल कोटेशन लिखना पड़ेगा, राइट, और यहां पर फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं हेलो वर्ल्ड, ये आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा क्या है, क्लिक इवेंट रेडी है बटन के अंदर। अब इसको करते हैं एक बार के लिए जाके रन, तो बटन बन गया हमारा, पी टैग पे कुछ भी नहीं दिख रहा हमें, हम इसको करते हैं रन। तो जैसे क्लिक किया तो पी टैग के अंदर क्या आ गया, हेलो वर्ल्ड, है ना। एक और पी टैग मैं लेता हूं, सॉरी एक और बटन लेते हैं, इस बार हम टारगेट किसको करते हैं, टारगेट करते हैं पी टैग, सो जो हमारा सेकंड टैग है ना, क्लिक मी अगेन, और इस बार हम क्या करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट से ना करके एक फंक्शन को कॉल करते हैं। एक फंक्शन को कॉल करते हैं तो मैं फंक्शन वहां पर डिफाइन कर दूंगा जावास्क्रिप्ट में, है ना। यहां पर फॉर एग्जांपल हमने कर दिया क्लिक, कुछ भी कर सकते हैं, चेंज टेक्स्ट और फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। चेंज टेक्स्ट कॉल करेंगे तो यहां पर डिफाइन भी करना पड़ेगा,
फंक्शन, ये रहा हमारा फंक्शन। फंक्शन डिफाइन करना है तो सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड और फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया। अगेन अब मैं सिंपली कॉपी पेस्ट कर दूंगा इसी लाइन को और यहाँ पर पैरा वन की जगह पैरा टू कर देंगे और यहाँ पर आप जो भी वैल्यू देना चाहें, फॉर एग्जाम्पल मैंने नेम वेरिएबल डिफाइन किया हुआ ऑलरेडी, तो मैंने कर दिया ये, क्लिक में किया तो हेलो वर्ल्ड, क्लिक में अगेन किया तो वसीम आ गया पैरा टू के अंदर, करेक्ट। इसको माइनस करके थोड़ा विंडो को छोटा कर लेते हैं। आई होप आप इवेंट हैंडलिंग भी समझ गए, ठीक है। इसी तरीके से नो डाउट काफी सारे इवेंट्स होते हैं इसी तरह। फॉर एग्जाम्पल देखो आप क्या कर सकते हो, ऑन कीवर्ड लगा, ये देखो जैसे ऑन लिखोगे ना ये सारे इवेंट्स आ गए आपके सामने, ऑन फोकस, ऑन एरर और इनपुट। सिर्फ बटन पे ही नहीं होते, फॉर्म एलिमेंट जितने भी होते हैं ना, जैसे इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गया, इनपुट टाइप टेक्स्ट एरिया हो गया, रेडियो बटन हो गए हमारे, या फिर ड्रॉप डाउन हो गई, सभी पे अलग अलग टाइप के इवेंट्स होते हैं, ठीक है। तो वो हम लेटर वीडियोज के अंदर देखेंगे जब हम आगे की एक्सरसाइज पे आएंगे। बेसिकली इस वीडियो के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर हम डेट्स वगैरह को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कुछ खास बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, आपको सिंपली क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल एक कॉन्स्टेंट वेरिएबल डिफाइन किया और इसको डेट ऑब्जेक्ट के थ्रू हम डेट असाइन कर देंगे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अगेन इसको एक बार के लिए प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको किस फॉर्मेट में वैल्यू आती है ना, क्या प्रिंट करेंगे हम, डी, ठीक है। अब जाके करते हैं हम रन, ठीक है। तो ये इस तरीके का कुछ फॉर्मेट डिस्प्ले होता है डेट के लिए, ठीक है। नो डाउट ये भी यूजर फ्रेंडली नहीं है, यूजर फ्रेंडली के लिए यहाँ पर कुछ मेथड्स होते हैं वो आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ईयर निकालना है तो ईयर के लिए आप क्या कर सकते हैं, डी डॉट गेट फुल ईयर, रन करेंगे तो सी 2021 करंट ईयर आ गया, ठीक है। इसी तरीके से पैरा टू के अंदर अगर आपको मंथ निकालना है, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं आप, डी डॉट गेट मंथ फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। मंथ फंक्शन को कॉल करके जाके रन करेंगे तो सी आया आपका, आपके पास आउटपुट क्या है, 10, तो हमेशा मंथ आएगा माइनस वन में, तो इसके लिए आपको क्या कर देना है, प्लस वन लगा देना है टू डिस्प्ले द करंट मंथ, ओके। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल अगर आपको डेट निकालनी है तो पैरा थ्री के अंदर हम क्या कर सकते हैं, डेट का भी मेथड होता है ना, तो उसके लिए मेथड होता है गेट डेट, सी डेट आ गई, मतलब करंट डेट आ गई ना 5/11/2021। अब इसको आप कॉन्केट करके किसी वेरिएबल के अंदर या जैसे आपको डिस्प्ले करना वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट क्या होगा, आपको एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है डेट टाइप से, ठीक है। डेट टाइप का ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, फिर इस ऑब्जेक्ट के थ्रू अलग अलग मेथड्स को कॉल कर सकते हैं, जैसे एरे के अंदर किया था ना, एरे डिफाइन किया, फिर उस एरे के अंदर जो अलग मेथड्स होते हैं पुश पॉप वगैरह वो हमने यूज किए, सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी आपने डेट ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, देन आप अलग अलग मेथड्स को यूज करके डेट प्रॉपर्टीज भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट की बेसिक वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं, आई गेस इतना आपको समझ में आ गया होगा। इस फाइल को मैं पुश कर दूंगा गिट पर और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप इसको डाउनलोड करके देख लेना और अपने लेवल पर एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। आगे वाली जो वीडियो आएंगे जावास्क्रिप्ट में, अब उसमें हम रियल वर्ल्ड जो एग्जांपल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल फॉर्म वैलिडेशन हो गया या फिर एक रियल टाइम कैलकुलेटर जो होता है, इस तरह की कुछ एक्सरसाइज करेंगे ताकि आप जावास्क्रिप्ट पे अच्छी कमांड कर पाए, ठीक है। अगेन आई एम टेलिंग हाई डिमांड टेक्नोलॉजी है जावास्क्रिप्ट, अगर इस पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आगे स्ट्रगल करने की बिल्कुल भी नौबत नहीं आएगी, ठीक है। अगर वीडियो अभी तक देख रहे हो तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर अगर पहली बार आए हो या फिर पहले से हो देख रहे हो इस सीरीज को पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे दोस्त, तो यार वो भी कर लो, ठीक है। अपना सपोर्ट इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी दिखाओ, वहां पर मुझे फॉलो भी कर लो, जो काम तुम लोग कर रहे हो इस सीरीज के थ्रू वो शेयर करो, ठीक है। बिकॉज जो अच्छा काम करता है ना वो पब्लिक के साथ शेयर जरूर करना चाहिए, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज को, ओके। सी यू देन, बाय बाय।